हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास शर्मा और स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम है वन फॉर ऑल। तो फ्रेंड्स, आप में से सभी लोग जो है डीटीएच केबल कनेक्शन इस्तेमाल करते हैं और उसके अंदर आपको जो है जब आपका डीटीएच अकाउंट एक्सपायर होने वाला होता है तो आपको उसके अंदर जो है रिचार्ज करना होता है। तो काफ़ी लोग जो है इसका रिचार्ज जो है ऑफलाइन करते होंगे और काफ़ी लोग जो है ऑनलाइन करते होंगे। बट जो लोग ऑनलाइन नहीं कर पाते हैं तो आप कैसे जो है ईजिली घर बैठे डीटीएच का रिचार्ज जो है ऑनलाइन कर सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई टाइम गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एयरटेल डीटीएच रिचार्ज के बारे में कि आप घर बैठे एयरटेल का जो डीटीएच कनेक्शन है उसका रिचार्ज कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप एयरटेल का डीटीएच रिचार्ज करना चाहते हैं तो आपको एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन जो है वो ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले प्ले स्टोर में चलते हैं और प्ले स्टोर में जा करके एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने जो है एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन को पहले से ही डाउनलोड और इंस्टॉल करके रखा हुआ है। आपको यहाँ से इसे इंस्टॉल कर लेना है। मैं इसे यहाँ से ओपन अप कर लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से एप्लीकेशन जो है ओपन अप हो गई है। अब आपको जो है लेट स्टार्ट पे क्लिक करना है। ये कुछ परमिशन आपसे यहाँ पे मांगेगा, आपको जो है इन परमिशन को अलाउ कर देना है। उसके बाद दोस्तों, आप इसमें जो है अपने मोबाइल नंबर से जो है लॉगिन कर सकते हैं। चलिए मैं इसमें फटाफट अपने नंबर से लॉगिन कर लेता हूँ। देखिए ये OTP से जो है इसमें लॉगिन हो गया है। तो दोस्तों, ये देखिए माय एयरटेल एप्लीकेशन यहाँ से ओपन अप हो गई है। दोस्तों, अगर आपको डीटीएच कनेक्शन के लिए रिचार्ज करना है तो वो कैसे करेंगे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है रिचार्ज, आपको इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद आपके सामने यहाँ पे तीन ऑप्शन आएंगे, मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज और डाटा कार्ड रिचार्ज। तो आपको जो है डीटीएच रिचार्ज पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो है यहाँ पे डीटीएच अकाउंट नंबर डालना है। दोस्तों, जो भी आपका डीटीएच अकाउंट नंबर है वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी जो है एयरटेल का डीटीएच नंबर है वो एंटर कर रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पे नंबर एंटर किया है तो मेरा जो मंथली रेंटल है वो यहाँ पे दिखा दिया गया है। अब मेरा मंथली रेंटल है 360 रुपीज़। तो मैं चाहूँ तो सिंपली इस पर क्लिक करके और इतने की पेमेंट कर सकता हूँ। बट अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कैसे आप रिचार्ज कर सकते हैं इसमें किसी भी डीटीएच अकाउंट के लिए। तो मैं यहाँ पे सिंपली आपको अभी सिर्फ 50 रुपीज़ का रिचार्ज करके दिखा रहा हूँ। अब नेक्स्ट पे क्लिक करना है आपको। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है मेरे सामने काफ़ी सारे पेमेंट के ऑप्शन आ गए हैं। जैसे कि आप कोई भी ऑनलाइन पेमेंट करते होंगे उसी तरह से आपको सिंपली जो है यहाँ पे किसी भी एक पेमेंट मेथड से पेमेंट कर लेनी है। तो चलिए मैं भी यहाँ पे फटाफट पेमेंट कर देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है 50 रुपीज़ की पेमेंट जो है इस डीटीएच अकाउंट नंबर पे हो गई है और आपके सामने जो है यहाँ पे ट्रांजेक्शन डिटेल्स भी दिखा दी है। दोस्तों, आप यहाँ पे जो है सिर्फ एयरटेल ही नहीं, किसी भी डीटीएच को जो है यहाँ से रिचार्ज कर सकते हैं। अगर आप कोई और डीटीएच अकाउंट यूज़ करते हैं, टाटा स्काई का या फिर वीडियोकॉन का, तो आप उसका भी रिचार्ज सेम इसी प्रोसेस से यहाँ से कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप जो है माई एयरटेल एप्लीकेशन से किसी भी डीटीएच अकाउंट का जो है रिचार्ज यहाँ पे घर बैठे कर सकते हैं। आपको कैश पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है और आपको कहीं बाहर जाने की भी इसमें ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आपका कोई डाउट या क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।